इजीली स्केलेबल, नोएसक्यूएल डेटाबेसेस का एक फीचर, जो मेन फीचर है, ये इजीली स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी इसका एक बहुत बड़ा फीचर मार्केट में है, इसकी पॉपुलैरिटी के हवाले से, कि इजीली स्केलेबल हो जाती हैं ये। एसक्यूएल डेटाबेसेस इजीली स्केलेबल नहीं होती, उसके रीजंस कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि हमने पीछे कुछ रूल्स का तذکرہ भी किया मैंने पीछे लेसन के अंदर। ACID के नाम से एक सेट ऑफ रूल्स है जो एक लिहाज से आपको सिक्योर करता है, दूसरी तरफ आपको जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से फेस करनी पड़ती है, वो आपके लिए एक बैरियर है स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। अगर हम MongoDB को एग्जांपल के तौर पे लें तो ये बिल्ट इन सपोर्ट है इसके अंदर रेप्लीकेशन की, शेडरिंग की, शार्डिंग और रेप्लीकेशन एक बड़े मेजर फीचर है जो स्केलेबिलिटी को मतलब जो है ना सपोर्ट करते हैं। स्केलेबिलिटी को अगर हम मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक रीड और एक राइट स्केलिंग। रीड स्केलिंग के अंदर क्या होता है कि जो हायर वॉल्यूम जो होता है डेटा का, जो हायर वॉल्यूम होता है उसको रीड ऑपरेशंस के लिए यूटिलाइज करना, फिर इसी तरीके से राइट करना, एक बड़े वॉल्यूम डेटा के बड़े वॉल्यूम को जो है ना राइट ऑपरेशंस में लेके आना। RDBMS का जो एक सेट ऑफ रूल जो उन्होंने प्री डिफाइंड किया हुआ है, उस उन रूल्स की वजह से ये जो ऑपरेशंस हैं रीड और राइट बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इसके अंदर जैसे जैसे डेटा ह्यूज होता चला जाता है डेटाबेस के अंदर, हमारी ऑलरेडी जो पुरानी डेटाबेसेस का जो एक शेड्यूल या स्कीमा चल रहा है, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था कि जैसे ही डेटा इंक्रीज होता चला जाता था उसके अंदर राइट ऑपरेशन जो है ना वो टफ से टफ होते चले जाते थे। उसकी स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो समझे कि एक लिहाज से डेड होता चला जाता था। सेम सेम हालत उसकी रीड पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि अगर आपको डेटा आपका बहुत ज्यादा हो रहा है आपकी डेटाबेस के अंदर, तो उसमें रीड ऑपरेशन भी इजी नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या होता था बाज का तो डेटाबेस पूरी की पूरी क्रैश कर जाती थी। तो आपकी जो एप्लीकेशन जो प्रोडक्शन के अंदर चल रही हो उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो ये अफोर्डेबल नहीं है। तो ये एक रीजन है इस लिहाज से जो है ना स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नो एसक्यूएल डेटाबेस का जो एक एक बन चुका है, इमेज बन चुका है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का इमेज है इस वक्त, और उसके ऊपर रेगुलर काम हो रहा है, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, और एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एक आम यूजर के लिए, डेवलपर के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, कि उसका जो डाटा है एवरीवेयर अवेलेबल है और बहुत रैपिडली उसकी परफॉर्मेंस है। और ये मेजर इश्यूज जो थे ना इन्होंने रिजॉल्व किए हैं, तो इस वजह से जो है ना इसे हम इजी स्केलेबल का जो एक लेबल है वो नो एसक्यूएल के साथ जो है ना अटैच हुआ हुआ है। और इससे जो जितनी कंपनियां डेवलपर्स फायदे उठा रहे हैं उस हिसाब से ये पॉपुलर भी होती चली जा रही है, उसके अंदर कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, और उसके ऊपर रेगुलर काम होने की वजह से ये दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है।